कि बच्चों का रिएक्शन जब मिलता है ना तो एक्शन करने में ज्यादा मजा आता है। उसको भी घींचने का एक लिमिट होता है, समझ में। ये नहीं कि आपकी मर्जी की भाई, मैं तो कितना भी घींच सकता हूं, ऐसा बेटी हमने लिखा और ये वाली चीजें ऊपर चली जाएगी और एरिया का। सो गाइस, स्ट्रेस तक का पार्ट हमने खत्म कर दिया था, अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेन। तो देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। फर्स्ट इज टेंसाइल स्ट्रेन, सेकंड इज वॉल्यूम स्ट्रेन, एंड लास्ट इज शेयरिंग स्ट्रेन। और गाइस, इतना सिंपल टॉपिक है ना कि आप फटाफट खत्म कर सकते हो। मैंने उसी टाइम आपको बताया था, पहला एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे टेंसाइल स्ट्रेन की, और टेंसाइल स्ट्रेन से पहले हम बात करेंगे भाई, अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अरे कमेंट और लाइक जरूर कर दिया करो। इससे मोटिवेशन आता है कि बच्चों का रिएक्शन जब मिलता है ना तो एक्शन करने में ज्यादा मजा आता है। और दूसरा, पूरा का पूरा हमारा केमिस्ट्री, फिजिक्स 2 एंड मैथ, राहुल सर का मैथ 2, ये हमारे दूसरे चैनल पे आ रहा है, इसका नाम प्रदीप री 11th 12th एकेडमी। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके उसको सब्सक्राइब कर दो। टेंसाइल स्ट्रेन, तो टेंसाइल स्ट्रेन मैंने अभी बताया था कि टेंसाइल, ये हमने जब हम पढ़ रहे थे, स्ट्रेस पढ़ रहे थे, तो उस समय बताया था टेंसाइल किससे रिलेट करता है, लेंथ से रिलेट करता है। टेंसाइल या तो लॉन्जिट्यूडनल, जो भी बोलो, ये किससे रिलेट करता है, लेंथ से रिलेट करता है। तो चलो मैं थोड़ा बताता हूं इसके बारे में। अब मान लो ये जो लेंथ है रॉड का, ये ओरिजिनल लेंथ है, मैंने इसके ऊपर स्ट्रेस दिया जिसके कारण इसका लेंथ चेंज हो गया और इतना बड़ा हो गया। जब हम गर्म करके हैमर से मारते हैं तो उसका लेंथ लंबा हो जाता है ना, तो ये जो इतना पार्ट बढ़ा है, ये होगा हमारा चेंज इन लेंथ। और जब दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा टेंसाइल स्ट्रेन। क्या मिलेगा? टेंसाइल स्ट्रेन। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसका फॉर्मूला यहां तो लिखा ही है, पर मैं फिर से चलो लिख देता हूं। टेंसाइल स्ट्रेन ये ऐसा लिखते हैं, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। या तो बहुत सारे जगह चेंज इन लेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल एन एंड ओरिजिनल लेंथ डिनोटेड बाय कैपिटल एन। तो भाई सब चलेगा, आपके बुक में इस तरह से लिखा हुआ है तो आप इस तरह से लिख सकते हो। अगर इस तरह से भी लिखते हो तो कोई गलत नहीं दे सकता, बस आपको समझाना आना चाहिए और बाजू में एक डायग्राम बना दो कि चेंज इन लेंथ को आपने स्मॉल से दिया है और ओरिजिनल लेंथ को कैपिटल एल से दिया है, काम खत्म। ओके, और इसके डेफिनेशन की बात करो, डेफिनेशन यही है, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। अगर ये आपको पता चल गया तो वॉल्यूम स्ट्रेन, पहले इतना वॉल्यूम था, जब हमने उस पर स्ट्रेस दिया तो उसका चेंज हो गया, वॉल्यूम इतना बड़ा हो गया, लेंथ मतलब कि सब उसके पूरे डायमेंशन चेंज हो गए। तो इसका भी क्या होगा, इसका भी जो फॉर्मूला क्या बनेगा, चेंज इन अ वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन अ वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन अ वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम। हो गया क्लियर? क्या ही है ये? तो ये हमारा ये वॉल्यूम था और ये जो चेंज हुआ डेल्टा वी लिखा हुआ है, तो इसको चेंज बोलते, चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, तो उसका डेफिनेशन भी हो गया। अब शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन गाइस आप लोगों को पता है कि मैंने स्ट्रेस के अंदर आप सभी को बताया था, स्ट्रेस के अंदर आपको याद होगा कि इस तरह से मैंने एक शेप लिया था जिसके ऊपर मैंने ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस लगाया था, जिसके कारण ये इस तरह से ऐसा चेंज हो गया था, याद होगा। और जितना यहां डिस्प्लेसमेंट हुआ था उतना ही यहां भी डिस्प्लेसमेंट हुआ। हमने उसके अंदर देखा था कि इसका जो शेप था वो शेप चेंज हुआ है पर साइज चेंज नहीं हुआ है, वैसे मेरा दिख रहा होगा पर मैं बता रहा हूं, इस पर मैंने धक्का दिया तो ये जितना यहां आगे गया उतना ही, तो इसका साइज उतने का उतना ही है, साइज उतने का उतना है पर शेप चेंज हो गया है, क्योंकि पहले ये रेक्टेंगुलर था, अब क्या दिख रहा है आपको, रोमबस की तरह दिख रहा है, बिल्कुल चेंज हो गया है, तो साइज उतना ही है, शेप चेंज हो गया, क्लियर। तो उसको हमने स्ट्रेस में देखा था, स्ट्रेस के अंदर हमने देखा था। अब देखो भाई, यहां जितना ये एंगल चेंज हो रहा है, एकदम स्मॉल छोटा सा एंगल चेंज होता है जिसको हम लेते हैं थीटा, तो इसका क्या होगा, सेम चीज गाइस, ये था हमारा ये जो दिया था ये ओरिजिनल लेंथ था, फिर इसका जो चेंज, ये जो चेंज हुआ है, ये हमारा ओरिजिनल लेंथ है और ये जो चेंज हुआ इसको हम लेते हैं चेंज इन लेंथ, ये हमारा ओरिजिनल लेंथ और ये जो चेंज हुआ, इतना जो चेंज हुआ है इसको बोलते हैं हम चेंज इन लेंथ, क्या बोलेंगे, चेंज इन लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी डेल्टा एल अपॉन एल, और इसके एंगल को या तो हम डायरेक्ट थीटा लेते हैं और थीटा बहुत छोटा होता है इसलिए नियरली इक्वल टू हम क्या लेते हैं, थीटा लेते हैं, समझ में। तो ये पूरा ओरिजिनल लेंथ और जितना चेंज हुआ इसको चेंज इन लेंथ, तो ओरिजिनल चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, या तो उसको डिनोट करते हैं क्योंकि उसमें एक एंगल, क्योंकि जब आगे बनता है आगे जाता है तो कितने एंगल से आगे टिल्ड होता है वो भी हम लेते हैं, तो हम टेन थीटा लेते हैं, पर एंगल बहुत ज्यादा छोटा है इसलिए हम टेन थीटा भी ना लेके ओनली क्या लेते हैं, थीटा लेते हैं। तो शेयरिंग स्ट्रेन के लिए ये याद रखना, आपको काम आ सकता है न्यूमेरिकल के लिए। ओके, अब चलते गाइस आगे, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बहुत ज्यादा सिंपल है, स्ट्रेस को जब हम स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ओके, स्ट्रेस
विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मतलब क्या होता है, उससे ज्यादा हम देखो हर चीजों का एक लिमिट होता है हमारा है कि चलो हम प्लास्टिक को अगर हम हमारे पास कोई रबड़ है तो हम उसको घिस सकते हैं और जैसे हम छोड़ेंगे वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। बट जो इलास्टिक जिसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है उसको भी घिंचने का एक लिमिट होता है, समझ में। ये नहीं कि आपकी मर्जी की भाई मैं तो कितना भी घिंच सकता हूं, ऐसा नहीं, उसका भी एक लिमिट होता है, उससे ज्यादा घिंचोगे तो क्या होता है ब्रेक होता है। इसलिए क्या लिखा, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, और इसी को हम बोलते हैं हुक्स लॉ। क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ। अब गाइस ये जो हमारा था मैं यहां लिखता हूं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, और ये हमारा क्या हो गया, हुक्स लॉ हो गया। ये जो स्ट्रेंथ है इसको मैं अगर डिवाइड में लाता हूं, ओके, और यहां कुछ ना कुछ कांस्टेंट है, यहां कुछ ना कुछ कांस्टेंट है, क्योंकि जब जब मैं प्रोपोर्शनल के साइन को हटाता हूं तो दो चीजें लगती है, इक्वल और कांस्टेंट। और यहां जो कांस्टेंट यूज होता है उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आप ऐसा बोल सकते हो इट इज द रेशियो मॉडुलस, अगर एग्जाम में आया कि डिफाइन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यहां कांस्टेंट लिखो क्योंकि यहां साइन जो है ना के नहीं होती, कांस्टेंट। ओके, तो स्ट्रेन जब मैं स्ट्रेस स्ट्रेन को जब मैं डिवाइड में लाया तो ये प्रोपोर्शनल के जगह दो चीजें लग जाएगी, इक्वल और कांस्टेंट। एग्जाम में अगर आपको आता है डिफाइन हुक्स लॉ तो बस आप इतना ही डिफाइन करोगे, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, ये आपने कर दिया। और साथ में ये उसका डायग्राम, ये ग्राफ है, देखो जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना ही स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, इसलिए जो ग्राफ है वो लाइन जो स्ट्रेट है, तो जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना, यहां से मैं अगर डिनोट करूंगा, जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना ही स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना ही, इसलिए जो लाइन एकदम स्ट्रेट लाइन है। ओके, लाइन जो जो बनी हुई एकदम स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा हुक्स लॉ का ग्राफ है। बट गाइस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी एकदम सिंपल है कि इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब इस कॉन्स्टेंट को ही हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये देखो द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ। तो भाई ये अगर आपने याद कर लिया ना तो आपका हुक्स लॉ भी हो गया एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हो गया। इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्लियर। ये देखो, और ये जो कॉन्स्टेंट है इसी कॉन्स्टेंट को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब चलो यंग्स मॉडुलस, अब एक एक लॉ आएगा। यंग्स मॉडुलस डिनोटेड बाय कैपिटल वाई, और यंग्स मॉडुलस के लिए बस इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, यंग्स मॉडुलस इक्वल टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेंथ। इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेस आपको फॉर्मूला पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लॉन्जिट्यूडनल मतलब टेंसाइल, याद रखो लॉन्जिट्यूडनल मतलब ही टेंसाइल। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। चलो सर यहां करके दिखाते हैं आपको, ये देखो यहां मैंने किया लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, क्या फॉर्मूला है, फोर्स पर यूनिट एरिया, लॉन्जिट्यूडनल ही मतलब टेंसाइल स्ट्रेस है, फिर से बता रहा हूं, उसी का दूसरा नाम है लॉन्जिट्यूडनल, वो लेंथ से रिलेटेड है। और अगर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेंथ अभी हमने देखा, लॉन्जिट्यूडनल मतलब फिर से बता रहा हूं टेंसाइल ही, तो इसका हमने क्या देखा था, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने पहले बताया। अब इसको मैं थोड़ा कन्वर्ट करता हूं, फोर्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स का क्या फॉर्मूला था, मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि रॉड की बात कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हमने यहां, इसलिए मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, ओके, ये दोनों हमने लिख दिया। अब देखो गाइस ये मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, ये जो डिवाइड में है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला, मतलब ये उल्टा हो जाएगा, तो ये L इसके पास चला जाएगा, अरे ये जो L है ये L इसके पास चला जाएगा, और ये जो स्मॉल है वो इसके पास चला जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या हो गया, एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एल, और यही है हमारा यंग्स मॉडुलस।
तो यंग्स मॉडुलस अगर एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेंथ। और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, एंड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। ओके, फिर फोर्स हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने लिखा, और ये वाली चीजें ऊपर चली जाएगी। और एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर आप सभी को पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो ये रॉड, रॉड की बात चल रही है ना, लॉन्जिट्यूडनल मतलब किसकी बात चल रही है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो भी एक सर्कल होता है, पाई आर स्क्वायर। फिर ये देखो ये बस हम उल्टा करेंगे तो ये कैपिटल एफ वाले के पास चला जाएगा, एफ वाले वैल्यू के पास चला जाएगा, और स्मॉल एल ए वाले वैल्यू के पास चला जाएगा। तो फाइनली हमारा रिजल्ट आ गया एम जी कैपिटल एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। तो भाई यहां चीजें हम खत्म करते हैं, अब हम जो आगे देखेंगे, आगे बहुत सारे लॉ है जो बहुत आराम से हो जाएगा। देखो ये लॉ किससे रिलेटेड है, लेंथ से रिलेटेड, आगे वाला जो लॉ आएगा वो आपसे वॉल्यूम से रिलेटेड, जो लास्ट वाला लॉ आएगा वो शेयरिंग स्ट्रेस से रिलेटेड, शेयरिंग स्ट्रेंथ से रिलेटेड होगा। जो आपको अगर पीछे की चीजें याद है तो ये फटाफट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।